झारखंड के बढ़कर सीएम आप बन गए हैं है? बाकी राज्य वाला सीएम नहीं था, 15वें वित्त में कैसे कर दिया? अब बिहार का तुलना मत कीजिए। काहे नहीं तुलना करेंगे? अगर हमारे सैलरी से गांव का विकास अगर रुक रहा है तो आप मंत्री लोग अपना सैलरिया छोड़ कह नहीं देते हैं? अपना सैलरिया आप लोग भी छोड़ दीजिए, आप लोग तो समाज सेवा करने आते हैं, फिर सैलरी कौची का उठाते हैं? मेरा कड़वा बोलने का ये मतलब है कि आप 14वें वित्त को हटा रहे, ठीक है, 15वें वित्त में बहाली है, 4 साल के बाद फिर पेट पर लात मारिएगा। 15वें वित्त वाला 16वें बिताएगा, 16वें बिताएगा तो फिर लात मार के भगाइएगा। आप काहेला सीएम बने, उतर के हटिए, ऐसा सीएम को उतार देंगे गद्दी पर से। अच्छा रुकिए, हम अपने आए हैं, हम हटाए थे, बनिया के दुकान खोले हैं आप, आए फायदा नुकसान पे चल रहा है सरकार। आप अपना चुनाव, अपना चुनाव हुआ 5 साल के बजाय 1 साल में करवा लीजिए ना, अभी उखड़ के फेंका जाइए अगर रघुवर चाचा टाइप के। आप बोल रहे हैं कि हम मोदी का आदमी है, बोल रहे हैं कि हम रघुवर चाचा का आदमी है। रिटायर्ड कर्मियों का सेवा विस्तार हो सकता है, युवाओं का सेवा विस्तार नहीं हो सकता है। रिटायर्ड कर्मी घर में अपने पेंशन से बाल बच्चे को पाल सकते हैं, हम अपने बाल बच्चे को पेंशन से नहीं पाल सकते हैं, मेरी कमाई यही है। आप सुनिए ना, आपका जो जेएमएम का रोड चलुआ कार्यकर्ता है उसके साथ 5 मिनट फोटो खिंचाने के लिए समय मिल रहा है, 40 दिन से हम लोग रोड पे सुतल हैं, वीआईपी कल्चर जो फॉलो कर रहे हैं, बीच में आइए, आना पड़ेगा फिर जनता के बीच में आइएगा, सुत लीजिए रजाई ओढ़ के अभी। हे प्रभु आंखें खोलिए प्रभु, आपका जो जनता है बहुत त्रस्त है, आप कहाँ सोए हुए हैं? आंखें खोलिए सर, आंखें खोलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहर, जो कहिए सब एक के है। चूंकि मुख्यमंत्री चले गए हैं बंगाल फतह करने, तो धप्पा दे के हमको गए हैं कि जितना भाई ये लोग संविदा कर्मी आधा ये सब है जो हड़ताल कर रहा है वो सबसे बात कर लो। धप्पा का मतलब आप समझ लीजिए कि धप्पा जो बाहर का लोग नहीं जानता बता देते हैं, जैसे एक बार हम धप्पा दे दिए ना ये आउट हो गया फिर भी खेलेगा, वो मेरे बदले खेलेगा, तो उसी तरह मुख्यमंत्री हमको धप्पा दिए हैं। तो आज के हम मुख्यमंत्री हैं और यहाँ इन लोग के पास आए हैं, बहुत दिन से हड़ताल कर रहा था, कोई कह रहा है कि भाई कोई अधिकारी सुनने नहीं आया है, स्वयं मुख्यमंत्री आए हैं सुनने के लिए। अच्छा वो आप लोग का संजय सेठ के भी यहीं बैठाए थे आप लोग? हाँ वो आए थे हम लोग के पास बैठने आए थे। राजनीति में आप लोग के मन लगे लगा नहीं? ना ना, राजनीति हम लोग क्या करना है, हम लोग तो आए हैं, अपना नौकरी चला गया तो नौकरी का मांग करने आए हैं कि जिस नौकरी में थे वह नौकरी में हमको रख लीजिए भाई। का नारा लगाते हैं, वोट हमारा सत्ता तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एक बार सुनाइए तो हम तो देखे टीवी में बहुत कम चलते हैं। कहे के मतलब ये है कि अब वोट अगर हम दिए हैं, अगर हम जनप्रतिनिधि को चुन के विधानसभा भेजे हैं, हम मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो राज तो हमारा ही चलेगा, लोकतंत्र। तो आज आ गए ना, राज तो आप ही का है, कहाँ कह रहे नहीं है, क्या है नारा पहले हमको सुनाइए फिर। तुम्हारा राज तुम्हारा, अरे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, सेवा विस्तार करना होगा करना होगा करना होगा, सेवा विस्तार करना होगा करना होगा करना होगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इतना भगवान बढ़िया गला दिया है आप लोग को, काहे हमारा खिलाफ आप लोग इस तरीके का प्रचार कर रहे हैं? आप लोग का काम तो कर ही रहे हैं, दे दिए ना, आप लोग 5-6 साल के लिए बहाल हुए थे कि नहीं, झूठ सच मत बोलिए। नहीं 5 साल के लिए नहीं बहाल हुए थे, हम लोग 1 साल के लिए बहाल हुए थे, एक्सटेंड होके 5 साल हुए, एक्सटेंड होके 4 साल हुआ, अभी 5वां साल चल रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि आप ही ना हमको विश्वास दिए थे चुनाव से पहले कि संविदा शब्द खत्म कर देंगे, सभी को समान काम समान वेतन देंगे। तो वित्त आयोग का अलग मामला है, अब 13वां वित्त आयोग वाला 14वां में कहे नहीं आया, उसके बारे में तो आप लोग नहीं बोलिएगा, उस सब भी तो बच्चा लोग काम कर रहा था। ऐसा है ना कि 13वां वित्त आयोग में बहाली रूल और रेगुलेशन से नहीं हुई थी, जिसको मन उसको मुखिया अपने मन से उठा के रख लिया था, लेकिन 14वां वित्त में नियम के अनुसार बहाली हुई, आरक्षण नियमावली को देखते हुए। क्या चाहते क्या सर? 13वां वित्त में क्या हुआ उसे हम क्या करे, सरकार ने किया था, हम थोड़े करने गए। 14वां में हम कर रहे थे, आप लोग के दर्द काहे हो रहा है? 15वां वाला समझेगा का नया लड़का लोग बेरोजगार रह जाए? नहीं तो दूसरा क्रिएट कीजिए ना पद, हमारे मने खाना जो है दूसरे को दीजिएगा। एक बार आवास बना दिया गया तो 2 साल हम रहेंगे, निकाल दिया जाए दूसर को दे दिया जाए वो आवास, ऐसे थोड़े होता है। अब तो हम 15वां वित्त आयोग में बना दिए कि भाई 4-5 गो एथी पंचायत मिला के एगो कंप्यूटर ऑपरेटर रख लेंगे,
आए इंजीनियर भी रखेंगे बोले हैं। आपका दिक्कत है, आप लोग एग्जाम दीजिए, प्राथमिकता दे रहे हैं आप लोग को, प्राथमिकता के तौर पर रखेंगे आप लोग। ऐसा है कि आप जब सत्ता में आने से पहले हम मैनिफेस्टो पर सरकार विचारधारा से चलती है, आप विचारधारा से चलते हैं, आप मैनिफेस्टो दिखाए थे कि हम रोजगार देंगे, तो आप क्या सोचे थे कि रोजगार छीन के तब दूसर को रोजगार देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। अरे आप लोग को सबको प्राथमिकता देंगे, अब तो नया लड़का को भी देंगे कि मौका नहीं देंगे कि पुरान के खाली रहे? ऐसा है ना कि प्राथमिकता जो है, प्राथमिकता हमको मत दीजिए, हम जहाँ थे वहाँ रहने दीजिए, अगला को प्राथमिकता देना है तो दीजिए। और दूसरी बात कि अगर हमको प्राथमिकता देना है तो अनुबंध में प्राथमिकता देना है, हमको परमानेंट जो नौकरी होता है उसमें आप प्राथमिकता दीजिए। हम अनुबंध पर तो काम कर ही रहे थे, हमको अनुबंध पर काम करने दीजिए, साथ में आपका खत्म हो गया ना भाई अनुबंध, कि हम जबरदस्ती खत्म कर दिए, यही बोलिए। आप जबरदस्ती खत्म कर दिए हैं, हमारा अनुबंध खत्म नहीं होने वाला था, वित्त आयोग लगातार। अकबर जी का आदमी है जी, वैसे बात करे क्या बात है, सच्चाई है, लड़का लोग झूठ बोलता है। आप लोग का नौकरी तो उतने तक था ना, 14वां वित्त आयोग तक एक्सटेंशन देखे? नहीं, नौकरी जो है 14वां वित्त और 15वां वित्त में थोड़े होता है, नौकरी नौकरी होता है, पंचायती राज का काम किए। अगर ऐसा था तो खाली 14वां वित्त के काम कराते। लड़का लोग झूठ बोलता है, लड़की लोग ठीक बोलती है। मैडम आपका नौकरी कै साल के लिए हुआ था बताइए? एक साल के लिए ही हुआ था। एक्सटेंशन मिलते गया? हाँ मिलते गया। अब 15वां वित्त आयोग आया है तो 13वां वाला ही कहता कि हमको मुखिया रखे चाहे नहीं रखे, जैसे पारा टीचर लोग करता वैसे करता, तो आप लोग का नौकरी लगता है कभी जीवन में? नहीं लगता, पर लेकिन हम लोग को जो है कि 13वां में उतना तो मुखिया लोग को रखने का बात हुआ था, अब है कि इसमें 14 का जब बात हुआ है कि इसमें तो बहाली करके ना रखा गया, इसमें हम लोग बार बार हम लोग क्यों इतना हम लोग फॉर्म भरते रहेंगे? आप लोग को बोले जैसे प्राथमिकता के मतलब नहीं, 50 नंबर आपको आएगा और 50 नंबर नायका को आएगा तो पहले आपका ज्वाइनिंग लेंगे हम, नहीं लेंगे नायका को, बोल तो दिए। अगर अगिलका के 60 आ गया तो हमार उम्रवा खत्म हो जाएगा, अगला बार तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो बेरोजगारे ना घूमेंगे। नौकरी ज्वाइन करने के समय क्या सोचे थे, परमानेंट है? नौकरी ज्वाइन करते समय ये नहीं सोचे थे, नौकरी ज्वाइन करते समय हम सोचे थे कि एक ही साल का है, लेकिन हम लोग का जब बढ़ाया गया, नौकरी नौकरी होता है, तो कहने का मतलब कि आप जब सरकार में आने से पहले ना हमको वादा किए थे कि संविदा को सब समाप्त करके सबको परमानेंट करेंगे, तो उस पर आप काहे नहीं जवाब दे रहे, आप हमरा से खाली पूछ करेंगे करेंगे वित्त आयोग वाला में। आप लोग अभी धरना प्रदर्शन मत दीजिए, नौकरी देंगे। इंजीनियर कै गो है यहाँ पे जी, कै गो इंजीनियर हाथ उठा दो, ये सब इंजीनियर है और कंप्यूटर ऑपरेटर कै गो है बताइए? वेतन भी बढ़ा बढ़ा के हम एथी किए थे, नया वाला का फिर से हम ले आ दिए 17,000 पे 10,000 पे, अब क्या दिक्कत है? अभी आप लोग जो एडजस्ट हो जाइएगा एडजस्ट हो जाइएगा, आधा आदमी तो हो जाएगा ना जी एडजस्ट, हैं? आइए 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 इधर आइए, जिसको बोलना है आज फिर ना। ऐसा है ना कि हम लोग जब 4 साल से लगातार काम कर रहे थे तो हम लोग का सैलरी 19,500 हो गया था, और ऑपरेटर लोग का जो सैलरी है वह 12-13 हज़ार रुपया हो गया था, तो कहने का मतलब फिर हमको 13,000 से 10,000 पर लाना चाह रहे हैं। घटते जा रहा है क्या, महंगाई दिन दिन घट रहा है क्या? जब मुख्यमंत्री हैं तो हम कर रहे हैं, मोदी जी से जाके पूछिए कोंची में हम टैक्स लगा दिया, अब तो सब ले लिया वहाँ केंद्र। मुख्यमंत्री आप हैं कि मोदी जी हैं? अरे तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है महंगाई बढ़ाला, सब चीज जीएसटी लग गया, सब रेट वो तय कर रहे हैं, हम कहाँ से जिम्मेदार हो गए? जितना 15 वित्त आयोग का पैसा आप लोग चाह रहे हैं आप लोग को वेतने में दे दें, गाँव में कोई काम नहीं हो विकास का, 50,000 आपका सैलरी कर दे, खुद से जाइएगा। अच्छा ये बताइए आप हमको कि आपको केंद्र हजारों करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के विकास में दे रहा है, और आप जो हैं आप लोगों को रख कर और उस हजारों करोड़ को सही जगह पे खर्च करने के लिए 28 करोड़ और 30 करोड़ रुपया अपने राज्य वित्त आयोग से नहीं दे सकते हैं क्या? आपको फील्ड में काम नहीं चाहिए, यह बात ना? अरे हम चाहिए नहीं तो पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? सुनिए आप लोग समझिए, आधा को कमवा क्या करेगा पंचायती राज वाला? अरे तो कुछ नया लड़का को भी एडजस्ट करेगा, उन लोग का उम्र ज्यादा। नया लड़का हमारे लाभ बनल है, वो आपका ना समस्या है। आप मतलब एगो झारखंड के बड़का सीएम आप बन गए हैं, हैं? बाकी राज वाला सीएम नहीं था, 15वें वित्त में कैसे कर दिया? आप बिहार का तुलना मत कीजिए, काहे नहीं तुलना करेंगे? अगर हमारे सैलरी से गाँव का विकास अगर रुक रहा है तो आप मंत्री लोग अपना सैलरिया छोड़ के काहे नहीं देते हैं?
अपना सैलरी आप लोग भी छोड़ दीजिए, आप लोग तो समाज सेवा करने आते हैं, फिर सैलरी कौची का उठाते हैं? कैसा ये आदमी है जी, कौन इंजीनियर है कि कंप्यूटर ऑपरेटर है? इंजीनियर है। वहाँ डेली 500 आदमी आता है क्षेत्र से चाय पीने, सैलरी छोड़ देंगे तो कहाँ से चाय पिलाएंगे? चाय पिलाने के लिए सरकार बनाए थे। तो आदमी जो आएगा घर पे कैसे आता? पहले हम लोग जो सरकार बनाए तो हम लोग किस लिए बनाए थे कि रोजगार देने के लिए ना चाय पिलाने के लिए। देखिए ये सब हमको नहीं बोलना चाहिए, आप ही का वोट से बने हम मुख्यमंत्री। अब क्या हम वोट दिए? हम क्या संविदा कर्मी दिए हैं? सुनिए हम क्या कर रहे हैं, अभी नया वाला हम पोस्ट क्रिएट कर दिए ना 15 वित्त आयोग में, आप लोग आधा एडजस्ट हो जाइए आधा कम। आप क्रिएट क्यों किए सबसे पहली बात? हम तो 6 महीना 7 महीना काम किए 15 वित्त में, तब आपका सरकार कहाँ सोई हुई थी? एक्सटेंशन क्यों किए? मेरे नाम में डिप्टेशन निकला, 15 वित्त का काम किए, 15 वित्त में प्लान चढ़ाए, 15 वित्त में पेमेंट किए, प्रत्येक लड़का के नाम में आईडी इशू हुआ, मैं कर चेकर सब, तब कहाँ थी आपकी सरकार? कौन आईएएस बैठे हुए थे कि नियम को पालन करेंगे? ये लड़का जब नियुक्त नहीं है तो इसको हटा, इसको कौन नियम पकड़ उनको पेमेंट करवाए? अभी तक पेमेंट करवा दिए थे। मतलब आप लोग कह रहे हैं पता है सीओ को पता, एक महीना का गलती हुआ, वेतन दे दिया आप लोग से काम ले लिए तो हमारे गलती है ना? महीना गलती हो गया, गलती नहीं। आप कैसन सीएम है, कॉमन सेंस नाम का चीज है कि नहीं है ये बताइए, डायरेक्ट बोलेंगे आप? आपको एड़ी लगे चाहे माथा लगे, हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेढ़ महीना से हम लोग धरना दे रहे हैं ना, आपका चेतना मर गई है क्या? इसीलिए तो हम बात करने आए कि उठिए उठिए। सुनिए मेरा कड़वा बोलने का ये मतलब है कि आप 14वें वित्त को हटा रहे ठीक है, 15वें वित्त में बहाली है, 4 साल के बाद फिर पेट पर लात मारिएगा, 15वें वित्त वाला 16वें बिताएगा, 16वें बिताएगा तो फिर लात मार के भगाइएगा, आप काहेला सीएम बने, उतर के हटिए। सुनिए 13 नहीं इनका पहले 13 बीत में जब बहाली हुआ था, बहाली नहीं हुआ था। अरे मुखिया लोग कैसे ने बहाल कर सुनेंगे ऐसा उतार देंगे गद्दी पर से? अच्छा रुकिए, हम अपने आए हैं ना, हम हटाए थे, बनिया के दुकान खोले हैं आप, आए फायदा नुकसान पे चल रहा है सरकार, यूजन थ्रो वाला काम करिए। अच्छा एक नहीं नहीं एक बात बताइए, जो मुखिया लोग अपॉइंट किया था 13वां वित्त आयोग में आदमी लोग को, अगर वही लोग नौकरी करता तो आप लोग इतना बहाल होते? उन लोग का भी पेट पे लात मारे? नहीं बहाल होते तो दूसरा रास्ता खोजते, ये तो हम लोग को जो है ना धोबी का गधा बना दिया ना घर के ना घर। चाहते का छोड़िए, अब नहीं हम सुनेंगे, हम लोग टाइम नहीं है, टाइम तो देना पड़ेगा, हम देश के, हम आपके राज्य के जनता, आपको तो टाइम देना पड़ेगा, आपके पास टाइम नहीं है कह के भाग नहीं सकते हैं, इस बात को जान लीजिए। और दूसरी बात कि हम लोग बैठल हैं और हम लोग अपना संविदा अवधि विस्तार का लेटर लेके उठेंगे, यो आप बात जान लीजिए, आप कैसे कीजिएगा? आप सरकार है, नियमावली बनाना आपका अधिकार है, एग्जाम का नहीं देना चाह रहे हैं फिर से, ऐसा कीजिए ना कि साल साल भर में आप भी वोट कराइए, साल साल भर में हो रहा है ना वोट, साल साल भर में कराइए, आपका तो 5 साल का तो आती था, आइए सबको फिर से एग्जाम दिलवाइए, हम लोग रेडी है तैयार, आप अपना चुनाव हुआ 5 साल के बजाय 1 साल में करवा लीजिए ना, आप भी उखड़ के फेंका जाइए अगर रघुवर चाचा टाइप के, आप बोल रहे हैं कि हमने मोदी का आदमी है, बोल रहे हैं कि हम रघुवर चाचा का आदमी है, प्रमोशन देने के लिए क्या मतलब दोबारा एग्जाम लीजिएगा? रघुवर चाचा हमको नौकरी दिए हैं, लेकिन आप तो छीन लिए नौकरी, अगर हम लोग काहे नहीं गुण गाएंगे? अगर हम लोग रघुवर चाचा के आदमी रहते तो रघुवर चाचा यहाँ सीएम रहते, अभी अभी अपना अभी हेमंत भैया के आदमी बने उनको सीएम बनाए, वो भी रघुवर चाचा, अभी अपना अभी अभी नौकरियां बराबर रख दीजिए, आपका आदमी बन जाएंगे, पूरा सहानुभूति है तब ना हम आए बात करने, कहीं बात करने नहीं आए हैं, बात से पेट नहीं भरता है मालिक। सहानुभूति का आचार डालेंगे सर, हमको नौकरियां दे दीजिए हम घरे चल जाएंगे, हमको सहानुभूति मत दीजिए, नौकरियां दीजिए हम घरे चल जाएंगे, हम यहाँ बैठेंगे नहीं, देह लाल करवा दिया सबका, अभी तक हॉस्पिटल में भर्ती है। तो आप लोग बैरिकेटिंग तोड़िएगा, पुलिस को हम बोले थे मारने, पुलिस अपना काम किया, बैरिकेटिंग टूटता बैरिकेटिंग है कहाँ, फूटे देखिए तो। अच्छा छोड़िए वो सब बात, देखिए वो सब पुराना बात भूल जाइए, नया बात कीजिए, नया बात आप लोग के कहा है कि बिना संविदा एक्सटेंशन हुए नहीं जाइएगा? अच्छा पोस्ट निकल गया है ये तो आप लोग को पता है, आए निकल गया, अब हम कह रहे हैं कि अभी हम लोग सोच रहे हैं, अभी
हम सीएम है तो इसका मतलब नहीं अकेले अपने मन से कर देते हैं। वो तो हम लोग भी जा रहे हैं, आपका मन चल में नहीं करता है, आपका मन क्यों नहीं चलता? आप तो झूठो, सब आईएएस लोग का चल रहा है यहाँ, सब आईएएस लोग का चल रहा है, आपका मन मेरा कहने का ही कि लोग कैसे बात करता है जी, कैसे नहीं बात करते? हम बोले कैबिनेट में बैठ के बात करेंगे, चर्चा विचार करेंगे, कह रहा है कि आपका नहीं चल रहा है, आईएएस का चल रहा है, कैबिनेटवा हम बैठा दे, बैठेंगे बात करेंगे। हमारा अभी तक हम लोग सोचे कि आप लोग को प्राथमिकता देंगे, फिर से बहाली निकाल दे रहे हैं 15 वित्त आयोग में, प्राथमिकता देंगे तो प्राथमिकता में तो हो सकता है कि आप लोग बहुते लड़का आ जाइएगा, 90% बाकी लोग क्या करें और बहाली नहीं निकलेगा। सर एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं कि जो पीछे है सिर्फ एक 14वें बीत 15वें बीत का बहाली है, झारखंड में इतना पोस्ट खाली है, पंचायत सचिव बहाली के लिए उधर मर रहा है, उधर वो सब खाली रह के क्या कीजिएगा आप? कहा ना रखे आप, चुनाव आने के बाद बोलने के प्रति संवेदनशीलता दिखाती है, रोज रोज पेपर पूरा भरा हुआ रहता है, इतना रोजगार दूंगा कैसे हम माने कि धीरे धीरे, अभी तो कोरोना काल है, धीरे धीरे देंगे। एक बात बताइए, आप बार बार धरती का अपमान कर रहे हैं, यहाँ के धरती के जो हम लोग के जो पूर्वज लोग है, बिरसा मुंडा है, गुरु जी है, सबका अपमान कर रहे हैं आप, दिन रात वादा करते हैं कि आपके चरणों का माटी का धूल का अपमान नहीं होने देंगे, आप संविदा कर्मियों को रोड पर सुता के सबका अपमान कर रहे हैं, आप एक्सटेंशन मत दीजिए लेकिन इस धरती का अपमान नहीं सहेंगे हम लोग। गुरु जी तो कल दीजिए, आप लोग उठिए यहाँ से, समझे, पब्लिक को कष्ट हो रहा है बहुत, समझे, रोड वोड जाने में, आप लोग उठिए, आप लोग का बात सुना जाएगा, अभी तो ये बात है ना, सुनिए, अच्छा इतना बात बताइए कि 50% से तो ज्यादा लोग आ जाएगा ना 15वां में, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कम लोग जो नहीं रहेगा उसका क्या करेगा? उसका किसका? आपका जवाबदेही वह लोग के लिए कि सबके लिए, एक एक आदमी के लिए जवाबदेही यही बताइए, आप जो है यहाँ आए हैं कुछ लोग के लिए कि सबके लिए, आपका क्या दायित्व तो बनता है? कोई दायित्व तो नहीं बनता है, आपका दायित्व तो हर उस आदमी के लिए बनता है जो आपको चुन के भेजा है, जो आपके राज्य का है, आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, न कि गिने हुए 4, 10, 50, 100 आदमी। अच्छा सर एक बात बताइए, आप 50% को रख लीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं, आप लोग हो सकता है 90% आ जाइएगा, क्योंकि काम तो आप ही लोग जानते हैं, अगर जो 10% अगर बचेगा तो 10% को कहा मुर्दा घर में रखिएगा, बाकी 90% चला गया, 10% को मुर्दा घर में आप रखिएगा, उसका व्यवस्था। सर आप एक अभी न्यूज 11 पर दिए थे कि हमारे सरकार में लाठीचार्ज नहीं होता है, वो रघुवर सरकार करा था, लेकिन द फ्लोर पे एक चैनल है उसको हम लोग बहुत बढ़िया मानते हैं, वो दिखाए हैं कि लाठीचार्ज हुआ, वीडियो देखिए, तो आपके आप झूठ बोल रहे हैं या द फ्लोर अप झूठ बोल रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं। अरे लाठीचार्ज ये सब होते रहता आंदोलन में, ये सब कोई बात नहीं। सर आपको सरकार में मोबाइल चलाने के लिए लाठी गोली की सरकार। सुनिए मेरा भी सुनिए, वो आंदोलन होता है तो पुलिस को तो हम लोग हर बात बोलते नहीं है ना कि लाठी चलाओ, वो तो पुलिस का काम है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा था, आप लोग का शरीर से दुखा रहा है, अभी दुखा रहा लाठी चलाने के लिए, नौकरी हम देंगे। आप राज्य की जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, आप आंदोलन कुचलना चाहते हैं, दो बार एक ही आदमी पर दो बार FIR कर रहे हैं, अपना हक अधिकार का मांग आपके सामने हम लोग नहीं रख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं आप लोग मान जाइएगा, सब कोई बोलिए हाथ उठाइए पहले, पंचायती राज में समायोजन के साथ संविधान विस्तार, समायोजन अब होगा बताइए? सुनिए सरकार नियमावली बनाती है, सरकार से बढ़ के कुछ चीज है? अगर सरकार से बढ़ के कुछ चीज है तो बोलिए आप भी बोलिए, ना तो आप सरकार नहीं, सरकार से नहीं चलता, देश कानून से चलता है। कानून कौन बनाता है, कैबिनेट में बनता है, ये भुला गए आप भुला गए हैं कि कैबिनेट और विधानसभा कानून बनाने के लिए होता है, आप अगर भुला गए तो आप लोग क्या चाह रहे, परमानेंट कर दे कोई, इसी में से अगर लड़का चला जाएगा कोर्ट, फिर कहानी खत्म, यही चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, कानून आप बढ़िया बनाइए ना, ताकि हम लोग बढ़िया से रह जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे ही रह के समायोजन कर दीजिए पंचायती राज विभाग में, ताकि हम लोग कम से कम नौकरी कर सके, अपना बाल बच्चा को अच्छा से पोस सके, अपना घर कीजिएगा। सर आप बताइए, सर अभी आप बोल रहे हैं ना कि रघुवर का गलती है, 15वें बीच में बहाल करके 5 साल बाद 4 साल बाद वही चीज आएगा, तो फिर आपको बोलेंगे कि हेमंतो सरकार वह किया? अरे भाई तब सुनिए, अब सुनिए, तब तक रेवेन्यू कुछ जनरेट होगा ना, कोरोना काल में एकदम रेवेन्यू ने, खजाना खाली है, खजाना खाली है, रघुवर जी खाली करके गए खजाना, मुख्यमंत्री जी गाड़ी ले वाला, अरे गाड़ी आंख आप लोग के दिख रहा है, इंस्टॉलमेंट पे है गाड़ी का, ना कैश खरीदे,
स्टेट गवर्नमेंट से पैसा मांग कौन रहा है? पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट 15वीं वित्त आयोग के लिए दे रही है पैसा, इसीलिए न करे सब वेतने में खर्चा कर दे। क्यों 15वीं आयोग में कहा गया कि आप दे रहे हैं हमको कहाँ वेतन में दे रहे हैं? वेतन मत पिछले बार भी 10% कंटीजेंसी था, इस बार भी आपको कंटीजेंसी काटने के लिए दे रहा, बाकी 90% 95% आप विकास कार्य पर खर्च कीजिए। कहाँ हम आपसे 50,000 वेतन की मांग? अभी जो इंजीनियरिंग पढ़ के पास आउट हुआ, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ, वो लोग चाह रहे नहीं नो नौकरी हो। SSC निकालिए, JSSC निकालिए, बहुत बहाली है सर, आप देख क्यों नहीं रहे हैं? आप सरकार हैं सर, अपना लिस्ट मंगाइए, इतना बहाली है कि झारखंड में एक एक लड़का भी नौकरी करेगा। सर 15वें वित्त में आप बहाल करके रख लीजिएगा तो 16वें वित्त आएगा तो फिर वैसे ना कर दीजिएगा बेरोजगार, तो आखिर कब तक खेल खेलिएगा? 4 साल 2-3 साल और कीजिए काम, उसके बाद हम देखेंगे। रिटायर्ड कर्मियों का सेवा विस्तार हो सकता है, युवाओं का सेवा विस्तार नहीं हो सकता है। रिटायर्ड कर्मी घर में अपने पेंशन से बाल बच्चे को पाल सकते हैं, हम अपने बाल बच्चे को पेंशन से नहीं पाल सकते हैं। मेरी कमाई यही है, सही बात है। देखिए आप नीति नहीं नियत बदलिए, सब कुछ हो जाएगा। झारखंड के पैसा से, झारखंड का पैसा से लोग बाहर में बिजली जला रहा है और हम अंधेरे में रहते हैं, हमारे यहाँ अंधेरा होता है। आप अंधेरा करने नियत बदल दीजिएगा, सब हो जाएगा। नीति की है जी, बिल्कुल। इतना साल से हम ही थे, उ लोग से नहीं पूछे जा रहे आप लोग, तबे न गया जगह पर। अगर आपको भी मन है कि हम उस जगह पर चल जाओ, जीवन में कहियो नहीं है, तो कीजिए, आप भी जाइएगा, आप भी जाइएगा, आप जाइए। माननीय मुख्य, सुनिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय या अलायंस की जो भी सरकार बनी है, यदि मंच से हम लोगों के साथ वादा करती तो हम लोग मान लेते कि चलो मंच से वादा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे संवाद किया हर विभाग के संविदा कर्मियों के साथ, बैठक तो किया, उसके बाद वादा खिलाफी क्यों? और आप लोग मंत्री जी का बात तो किए थे ना, तो मंत्री जी, हाँ तो मंत्री जी क्या बोले? आज वो बात हुआ था, सुनिए ना, आज वो मंत्री जी बुलाए थे बात करने के लिए। तो फिर आप लोग उनका बात का नहीं मान रहे हैं? एगो जो है ना, प्रस्ताव संरक्षण का माने बातचीत संरक्षण का सिद्धांत है, बात के पहले और बात के बाद स्थिति ज्यों की त्यों है, माने बात से कोई मतलब ही नहीं है। क्या चल रहे रात रात मान रहे हैं? यदि मंत्री महोदय का बात आप लोग नहीं मानते, आप लोग यहाँ से उठिए सब कोई, जो चल जाएंगे। एक मिनट यहाँ रहने का इच्छा नहीं है, एक मिनट नहीं रुकेंगे, चिट्ठी लेके आइए, घर चल जाएंगे। हालत ये है ना कि बच्चा चॉकलेट के लिए रो रहा था, तो पापा बोला कि पहले चुप होगा तो देंगे। एक बार बच्चा चुप हो गया, अगर चॉकलेट नहीं मिला फिर रोना स्टार्ट हो गया, तो फिर कह रहा कि चुप होगा तब देंगे। तो लड़का कितना बार आपका बात सुनेगा सर? आप तो अपना कदम फिर खुद पीछे खींच लेते हैं। बेकार निकला कि दूसरा का बार लठिया से मार के भगा दिया, चॉकलेटो नहीं दिया, डंटों से मार दिया, अब लड़का क्या करेगा? मंत्री जी दिए ना, ग्रामीण विकास के मंत्री से तो आप लोग का बात हुआ, आश्वासन दिए हैं, समय दीजिए हम लोग को, काम करेंगे, ऐसा है ना, काम करेंगे। देखिए खुला मन से आए हैं, कोई दुर्भावना नहीं, जो जो हम भी चाहते हैं कि जितना लोग है नौकरी में और लोग हो जाए। आप लोग देखिए पब्लिक है, हमको उसका भी देखना है ना पूरा। आप लोग के चलते धुरुआ HEC का लोग परेशान है, इधर का लोग गेट हम नहीं बंद किए हैं भैया, हम लोग के चलते है सरकार के चलते। ऐसा किया 2 दिन के लिए आप पद छोड़ दीजिए, हम लोग नियम कानून बना लेंगे, 2 दिन के लिए खाली पद छोड़ दीजिए, हम लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। एक दिन का सीएम बनाइए हमको, हम बोलते हैं हम नियम बनाएंगे, हमको सब चीज मालूम है। उसके खिलाफ कोर्ट में चला जाएगा पब्लिक, कुछ नहीं जाएगा पब्लिक के, कोई दिक्कत नहीं सर। जो दिक्कत है ना यहाँ आपको दिक्कत है, आप हम लोग सुनिए नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नौकरी पे विस्तार नहीं मिल रहा है। आप सुनिए ना, आपका जो JMM का रोड चलुआ कार्यकर्ता है उसके साथ 5 मिनट फोटो खिंचाने के लिए समय मिल रहा है, 40 दिन से हम लोग रोड पे सुतल है, VIP कल्चर जो फॉलो कर रहे हैं, बीच में आइए, आना पड़ेगा फिर जनता के बीच में आइएगा, सुत लीजिए रजाई ओढ़ के, अभी टाइम है, चार अरे आपको बड़ा फैन है, टाइम है, 4 दिन चार साल और सुत लीजिए। सुनिए लाओ ये माइक लो, देखिए हम आए हैं आप लोग के बीच, समझे कि नहीं, ये सोच के कि आप लोग मंत्री जी से जो बात हुआ है उसके बाद आप लोग यहाँ से उठिएगा, हमको मौका दीजिएगा, टाइम दीजिएगा। सरकार एक एक आदमी के प्रति चिंतित है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। अब आप लोग का आगे का कहना है बोलिए। ऐसा है ना कि आप खाली आश्वासन मत दीजिए,
आश्वासन पर आश्वासन लेवत लेवत हम लोग बेरोजगार होकर रोड पर बैठल है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि किनारे नहीं करे सर, ऐसा किनारे फेंक दिए है सर कि हम सांस लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। अच्छा, पब्लिक के का दोष है जो वहाँ है गेट में है। हाँ, पुलिस का प्रशासन गेट बंद किया है, हमने किया, हमको अभी गेट खोल दीजिए, हम चल रहे हैं आपके घर। आप ही बंद करवाए, रोड पे आप लोग बैठ गए हैं जाम करने। चल रहे हैं, हम चल रहे हैं आपके घर, घर चल के आपको बतियाएंगे, खुलवा दीजिए, हम घर चलेंगे आपको। आपके माध्यम से हम एक बात बोलना चाहेंगे, हम लोग पहले शांतिपूर्ण ढंग से धंधा कर रहे थे वहाँ दुर्वा ग्राउंड में, वहाँ से लाठी डंडा मार के मेरा पूरा तोड़ दिया गया टेंट उंट। हम लोग वहाँ से बैठे दुर्वा चौक पे, दुर्वा चौक पे भी हम लोग के साथ वही किया गया, सॉरी बिरसा चौक पे, बिरसा चौक में भी हम लोग को लाठी डंडा मार के हटा दिया। कितना झूठ बोलते हैं, बिरसा चौक पे आप लोग बैठे थे, लाठी डंडा चला था, आप लोग जा रहे थे उधर ना प्रोजेक्ट बिल्डिंग, खड़ा हुए थे, खाली खड़ा हुए थे, खड़ा हुए हमारे लग चालू कर दिया। बताइए ना कि कहीं जाइबो नहीं करे, ओजे कोजे जमल रहे हैं, मूर्ति हर हम लोग कहीं जा नहीं रहे थे। आपको एगो कागज, अभी 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत जी ने बताया दुमका में हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह लाठी डंडा नहीं चलाती है, और ये जो यहाँ लाठी डंडा चली वो क्या थी, मिठाई थी या लाठी थी? लॉ एंड ऑर्डर मैंने तो किसी को एक शब्द नहीं कहा रास्ते में, और ना ही किसी को तोड़फोड़ किया, फिर लाठी। आप लोग कितना सुनिए, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, उठिए अभी, आप लोग कितना दिन का टाइम दीजिएगा बोलिए। मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के एकदम विनती है, हम लोग को चिट्ठी दे दीजिए, आपको दो मिनट का समय दीजिए, बस 2 मिनट का समय और निकल जाएंगे। अरे हम लोग को तबीयत खराब नहीं हो, आपका इसके लिए भी आए हैं, ठंडा ज्यादा है इसे। आपका नियत खराब ना हो तो सब चीज ठीक हो जाएगा, बस आप अपना नियत ठीक कीजिए, हम लोग का सब कुछ ठीक हो जाएगा एकदम। अब जितना है मुख्यमंत्री जी आप में लेट है, आप जितना जल्दी काम करिएगा ये रोड उतना जल्दी खत्म हो जाएगा जाम। आप लेटर दीजिए, हम लोग 2 मिनट के अंदर खाली कर देंगे। अरे कम से कम 1 महीना का टाइम दीजिएगा सोचने का। नहीं नहीं, 1 दिन भी टाइम नहीं दीजिए। मुख्यमंत्री महोदय आपको 5 साल का समय दे, कही हम लोग 5 साल तक बैठल रहते हैं, 5 साल में आप काम करके दे दीजिए। ये राज्य सरकार का गेट, ये हम ये जो HEC का गेट है, ये राज्य सरकार की आँख है, जितना जल्दी खुल जाए हम लोग भी चाहते हैं, जितना जल्दी खुल जाए यही हम लोग भी चाहते हैं। ये राज्य सरकार लोग रोड पे उठिएगा, नहीं तो आप लोग का भी सिक्योरिटी है ना, सत्ता के नशा में चूर है, आँख बंद है, जितना जल्दी आँख खोल लीजिए हम लोग भी उठ जाएंगे, हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। 1 महीना के लिए आप लोग जाइए ना घर, आराम कीजिए, आप लोग का काम यह 1 महीना यही बैठल है, आप लेके आइए लेटर, बस 31वां दिन उठ जाएंगे। एक बात कहते हैं ना, जब इतना ही आप परेशानी है, आप दुख दर्द देखिए रहे हैं, इतने लड़का लोग हैं, आप गोली चलवा दीजिए, यही लोग ढेर हो जाएगा। गोली चलवाने के लिए हम आए हैं, हम बात करने आए हैं आप लोग से, आप लोग का समस्या का हल करने, आप लोग सुन सब बात आप ही कर रहे हैं। सर चुनाव से पहले आपके द्वारा यही न बोला गया था, संविदा कर्मियों के लिए हम बहुत संवेदनशील हैं, तुम लोग को नियमितीकरण करेंगे, तो कहाँ गया वो वादा? अच्छा तो कोरोना काल में आप क्या चाह रहे थे कि हम सब कोरोना काल में कर देते हैं? अभी तो सरकार ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ, थोड़ा तो टाइम दीजिए। बीत चुका है 1 महीना में, क्या किया गया हम लोग के प्रति? 1 महीना हम लोग दे दिए ना, क्या हुआ 1 महीना? चुनाव हुआ कर रहे थे तो उस समय आपको कोरोना नहीं दिख रहा था, अभी बंगाल में चुनाव प्रचार करने आप जा रहे हो उसमें कोरोना नहीं दिख रहा है? पैसा आने इसमें ध्यान है ना, सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग महीने दिन प्रतिदिन कर रही है उसमें ध्यान है, और जो संविदा अनुबंध कर्मियों को पूरे सम्मान दिलाएं। मतलब आप लोग चाह रहे नहीं मानिएगा? हे प्रभु आंखें खोलिए प्रभु, आपका जो जानता है बहुत त्रस्त है, आप कहाँ सोए हुए हैं? आंखें खोलिए सर, आंखें खोलिए। कहाँ बोल रहे हैं आप लोग, नौकरी का एग्जाम दे के भी नहीं लेना चाह रहे हैं? सर 1 साल का उपलब्धियां गिनाए में कोरोना खत्म हो गया था का? ए सर सुना जाए, अभी जो पुलिस कर्मी का 2 साल विस्तार कर दिया गया, किस तर्ज पे किस आधार पे किया गया? अरे तो सहायक पुलिस है वो लोग बेचारा, वो लोग को परमानेंट किए हैं, 2 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए वो लोग का सुनिए सुनिए, आप लोग का हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कहे अभी विचार कर रहे हैं, लिख के भी बोलिएगा दे देंगे कि आप लोग को सबको नया में प्राथमिकता देंगे। हम बोलते हैं एक नौकरिया के लिए आप एग्जाम लीजिएगा, प्राथमिकता काहे दीजिएगा? हम बोलते हैं कि जो हम लोग का पद चेंज हो रहा है क्या,
वही नौकरियां कर रहे थे ना, और 9 महीना हम लोग 15वीं वित्त में नौकरी किए हैं, तो फिर 15वीं वित्त में नौकरियां करने के लिए ऐसा कौन सा गाइडलाइन आ गया भाई? ठीक है, आप लोग सुनिए, लेटर के अलावा और कुछ पे मान है कि नहीं? लेटर दीजिए, हम लोग चल जाएंगे। 1 महीना का टाइम दीजिए, मिल जाएगा। 1 दिन का भी टाइम नहीं देंगे, तबे देंगे जब हमको लेटर दीजिए, हम चल जाएंगे। 5 साल का समय दे दिया आप, जब तक निकालिए, बस हम यहाँ हैं, आप लेटर दीजिए। जिस पब्लिक को दिक्कत हो रहा है, आप लोग को भी दिक्कत हो रहा है, ठंडा है किसी का लड़का। गेट खोल दीजिए, आपके घर चल रहे हैं, हमारा घर रोजी रोटी नहीं, आप ही खिलाइएगा हमको, चाय वहीं पियेंगे आप। सैलरी है, चाय पिलाने के लिए मिलता है, तो वहीं चलते हैं, हम लोग को भी चाय वहाँ पिलाइए, वहीं बैठते हैं। मंत्री सर, तनी हमरो सुना जाए, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 1 महीना टाइम दे दीजिए, ठीक है, हमने दे दिया, ठीक है, जाइए घर तब। सुन लीजिए, पूरा बतवा सुनिए, 1 महीना हम जाके करेंगे क्या, हमको नौकरियां दिलवा दीजिए, हम जाते हैं, आप एक महीना का 5 साल ले लीजिए। चौक पे बैठ के पब्लिक को डिस्टर्ब करके क्या कर रहे हैं? हम लोग कौन सी हैं, पब्लिक नहीं है, बड़ा बात है। हम डिस्टर्ब किए हैं कि आप डिस्टर्ब किए हैं, मन में एक बार सोच लीजिए, एक बार वहाँ पे हाथ रख के कह लीजिए कि आप परेशान किए कि हम किए हैं। हम लोग सर ऑस्ट्रेलिया से नहीं ना आए हैं, ये झारखंड के हैं, रांची के हैं, हम लोग विदेश से थोड़ी ना आए हैं। रास्ता खराब हो रहा है, हम लोग का पूरा जीवन खराब हो गया है, झारखंड में और भी आंदोलन चल रहे हैं। रांची में ही समझ में आ गया कि हम 16,000 व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, और ये जो 1600 परिवार उठ के यहाँ जो आया है, वो सब का माँ बहन बेटी है, भाई भाई नहीं है। आप लोग समझाइए, आप लोग तो समझदार आदमी हैं, ये लोग का तो हम क्या कहें। जो भी बोल रहे हैं ये लोग सब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप लोग कितना देर बैठिएगा, ठंडा है ना, ठंडा है, आप तो समझ ही नहीं रहे हैं हम लोग सिचुएशन को। हाँ, हम करते 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 4 साल आप लोग नौकरी कर लिए, आपका ठगा कोई ठगा, आप जो कर रहे ठगा तो नहीं, वो तो नहीं है हटाया, लेकिन आप ऐसे के साथ हटा दिए। आप भी वैसे 1-1 साल बढ़ाइए ना सर। वो तो नहीं हटाया, लेकिन आप आके हटा दिए, हम कैसे माने कि मैंने वो हमारे साथ ठगा है। अनुबंध करने को सम्मान दिलाएंगे, इस पे उम्मीद था हम लोग को, और ये सम्मान मिला हम लोग को बिरसा चौक पर लाठी डंडे से। हम लोग का डंडा से सम्मान किया है, आप ही बात मानते हैं। आपको चुने थे सर, देखिए और एक बात सुनिए सुनिए, 10 साल जो सुनिए ना 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 सुनिए कर दें। अरे तो राज्य का पैसा, आप लोग केंद्र का पैसा वाला है ना भाई, सब बात तो आप ही बोल रहे हैं। अरे मौका दीजिए, मौका दीजिए, सुनिए आप समझदार हैं, सबको समझाइए। मौका देंगे 5 साल बाद, फिर मौका देंगे, आइएगा आप सबको समझाइए। देखिए इतना महिला लोग आई हैं, बाल बच्चा परिवार छोड़ के, आप लोग घर में रहिए, 1 महीना का वक्त दीजिए, नहीं 1 महीना के बाद हम तो जा नहीं रहे हैं कहीं। फिर अगला बार आए तो फिर एक महिला का पैर तोड़ के विदा कर दे। फिर बोले आपकी 1 महीना प्रेग्नेंट थी ना हमारी बहन, पैर तोड़ के विदा कर ना दिया गया। अरे हम मौका 1 महीना का, अरे भाई पुराना बात पकड़ के रहता है लोग। अभी आप आए तो एक बार पूछबो तो नहीं कि कुछ दिन लाठीचार्ज में जिसका पैर टूट रहा था वो बहन कैसी है, आप कैसे हमदर्द है हमारे, आप तो घड़ियालू आसुर होने वाले आदमी निकले। आप लोग अपना एम्बुलेंस से भेजे थे, हम जैसे सूचना मिला एम्बुलेंस, नहीं हम अपना गाड़ी से भेजे थे ना भाई, पुराना आंदोलन में ये सब होता है, समझे, आंदोलन में ये सब होता है। आपकी सरकार में उम्मीद नहीं थी हम लोग। अच्छा होता है आंदोलन में ये सब, कोई बड़ा बात नहीं, आप समझाइए इन लोग को। नहीं नहीं आप सुन लीजिए, आप संविदा कर्मी का घर दरवाजा खटखटा खटखटा कर आपने संवाद किया था कि हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। अरे भाई क्या अच्छा किए आज तक, समय कहाँ मिला, कहाँ समय नहीं मिला है, समय तो दिए आपको हम। कोरोना काल में कोई भूखे ना रहे उसका चिंता करेंगे लीजिए, मुख्यमंत्री बनने के पहले सप्ताह में हम लोग आपके यहाँ गए थे, हम लोगों ने आपके पास ये बात रखी कि सर 14वें वित्त आयोग खत्म होने जा रहा है, 15वें वित्त आयोग आ रहा है, हम लोग हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था कि 15वीं वित्त आए, 16वीं वित्त आए, 17वीं वित्त आए, वित्त आयोग आते जाते रहेगा, जो है वो रहेंगे, हम किसी का रोजगार नहीं छीन रहे हैं। अरे तो 9 महीना दिए ना, 9 महीना पहले ना आप लोग का रोजगार छीन जाता, अब नहीं नहीं आप लोग देखिए 9 महीना जब हम दे सकते हैं वेतन, आगे भी दे सकते हैं मौका, अब जब 9 महीना काम करने दिए, 1 महीना खाली मांग रहे, 1 महीना के लिए उठिए, काम नहीं होगा।
अरे सुनिए सुनिए, काम नहीं होगा तो फिर आ जाइएगा ना। किस आप अपन बतिया बोल रहे हैं, हम इनके बतिया को सुनने के लिए आप तैयार नहीं है सबसे पहले। अरे एक महीना का टाइम दीजिए, फिर आ जाइएगा, नहीं होगा तो एक महीना में लेटर सबके घर चल। एक महीना पहले आपको समय दे चुके हैं पहला चीज, तो एक महीना में आप का किए हमारे लिए? आप हमारे लिए तो कुछ किए नहीं, और आप 9 महीना जो हमारा बढ़ाए हैं ना, आप जो है सरकार का इज्जत बचाने के लिए हम लोग का बढ़ाए थे। हम लोग कोरोना काल में 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 4 बजे भोर में हम लोग दिन रात ड्यूटी कर रहे थे, कोरोना में लोगों का सेवा कर रहे थे। वह आप अपने कार्य को कराने के लिए हम लोग को 9 महीना बढ़ाए थे। आप जो है ना हमारा कल्याण नहीं किए थे, आप जन कल्याण के लिए बढ़ाए थे, हमारे लिए आप कुछ नहीं किए हैं। जो 9 महीना में आप नहीं कर पाए, एक महीना में क्या करिएगा? अभी 9 महीना कोरोना काल है ना था, अब धीरे धीरे चीज पटरी पे आ रहा है। 1 महीना के लिए आप लोग उठिए जी, आपको समय दिए, जाइए करके आइए, हम नहीं मिलेंगे आपको। आप जितना जल्दी करिएगा उतना जल्दी रोड खाली होगा, हमको लेटरवा दे दीजिए, हम लोग चले जाए बस। और कुछ दिन में कीजिए, 5 दिन में कीजिए क्यों? एक महीना से क्या, एक महीना 31 दिसंबर के हम लोग का नौकरी खत्म हुआ, 28 दिन हो गए ना, 3 दिन और समय देते हैं, 1 महीना हो जाएगा आपका। अभी और सुन लिया जाए, और सुन लिया जाए। आप लोग सुनिए, आप लोग तो समझदार हैं, बाल बच्चा वाला है, परिवार वाला है, हैं आप लोग घर जाइए। घर क्यों जाए, हम लोग को बाल बच्चा पालने के लिए 1 महीने के बाद वापस आ जाएंगे। नहीं मिला घर, घर सबको ले, आपको दिए ना सर समय। हम लोग 31 दिसंबर को हम लोग का संविदा खत्म हो गया, हम लोग 28 दिन बीत गया ना सर, अभी तक आप नियमावली नहीं बनाने सके हैं। हाँ, और आपको 1 महीना चाहिए, उठिए ना। आप तो समझदार लग रही हैं हमको, है हम लोग को नौकरी चाहिए बस। एक सब ने कहा जा रहा है आप लोग लेटर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए। एक मिनट में चले जाएंगे। लेटर बनने में कितना टाइम लगता है, 1 दिन का काम है। आप लोग फिर से एग्जाम भी नहीं देना चाह रहे हैं, लेटर भी चाह रहे थे ये। सर हम लोग एग्जाम दे कर आए हैं। एग्जाम क्यों दे, हम लोग में काबिलियत था तभी तो हम लोग 3 साल काम किए। एग्जाम दे है, एग्जाम फॉलो नहीं है, काम कैसे किए, हम लोग में काबिलियत था तभी तो काम किए, फिर एग्जाम कहाँ। हम बोल रहे काबिलियत नहीं है, देखिए। अरे मंत्री जी क्या बोले, मंत्री जी से आप लोग बोले ना, बात किया ना, फिर मंत्री जी का बात कहीं नहीं मान रहे आप लोग। जगह जिनका खाली है, जितना जगह खाली उतने ही जगह का आप एग्जाम दीजिए ना, सारे लोगों को एग्जाम क्यों दिलवा रहे, जहाँ जगह खाली वहाँ एग्जाम दिलवाइए। अगर 10 की जगह 4 जगह खाली, 4 एग्जाम दिलाइए आप। तो हम क्या, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि 1 महीना और आप हमको टाइम दीजिए ना, ही बिरसा चौक भाग रहा है ना हम भाग रहे हैं। 1 महीना आप लोग ही ठंडा पार हो जाता है, घर घर सबका लेटर चला जाएगा, लेटर नहीं जाएगा फिर आइएगा, हम तो कह रहे हैं। घर से हमको जब आने हैं 1 महीना बाद, तो हम काहे जाएं? अरे आप कह रहे हम कह रहे 1 महीना में घर में लेटर चला जाएगा आप लोग के, दरवाजा खोल कर। घर में इज्जत मान सम्मान नहीं रहा, बोलता जाओ नौकरियाँ लेके आओ, ऐसे नहीं रहना घर में, जाओ नौकरी लेके आओ, उसके बाद घर में रहोगे। घर में से तो एक महीना घर कैसे चलेगा, 1 महीना चौक पे बैठ के आप लोग कैसे खा लिए? खाते कहाँ हैं सर, 1 टाइम खाते हैं और 2 टाइम ऐसे सो जाते हैं। भीख मांगे हैं सर, ये आपका मेहरबानी है सर, जो हम लोग भी रोड पे काटे हैं। भीख मांग के कुछ फंड इकट्ठा हुआ है, उसी से चल रहा, फिर भिक्षाटन करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय आए हैं तो कुछ दे दीजिए तो बड़ा मैंने मेहरबानी होगा, कटोरी लाओ तो। नहीं कटोरी लाओ, आप मांग रहे थे ना कि हमको अपने अपने विधायक के लिए हम। अच्छा सुनिए, मुख्यमंत्री साहब कुछ मुख्यमंत्री सर, आप कांग्रेस कार्यालय में जाके बोल रहे थे ना कि हमको अपना विधायक को मंत्री बनाना है। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, नहीं नहीं सुनिए, आप लोग 1 महीना मानिए, ठंडा है बहुत यहाँ, देखिए सब बाल बच्चादार आदमी है। भिजवा दीजिए सर, खाना वाना भिजवा दीजिए, ऐसे रहेंगे। पब्लिक के बहुत परेशानी हो रहा, आप लोग कहीं नहीं समझ रहे। ये समझिए आप सर, अगर आप 1 मिनट में लेटर दे दीजिएगा, वही पब्लिक ने सारे पब्लिक का सोल्यूशन निकल जाएगा सर। जो भी लेट है वो आप में लेट है सर, हम में लेट नहीं है सर। आप 1 लेटर दीजिए, आप लोग बैठिए, जब लेटर देंगे, जब लेटर देंगे तभी होगा ना। तो ऐसी कानून पे लिख दें कि फिर कोर्ट कोई चल जाए। आपको जैसे करना है सर, जितना जल्दी करिए, रिक्वेस्ट है, हम लोग चले। ठीक है जा रहे हैं तब। नहीं नहीं, ये वार्ता तो विफल हो गया ना, फिर आने का क्या फायदा हुआ? सुनिए, तब तो फिर कोई वार्ता का बातें नहीं हुआ, आप लोग के बीच आए थे,
ताकि आप लोग मत विश्वासन कीजिए, बात मानिए। सर आप हमको ठगने आए थे कि बच्चा तू पास हो जाएगा तो तुमको साइकिल देंगे, जब मैट्रिक पास होगा तो तू इंटर पास होगा तब तुमको मोटरसाइकिल देंगे। आप तो सिर्फ लालच दे रहे हैं, कर कहाँ रहे, काम हुआ तो कर ही नहीं रहे हैं, निकम्मा जैसा बैठ जा रहे हैं, बार बार हम मुड़ी घुमा ले रहे हैं ऐसे। कम से कम बात कीजिए तो, नज़र मिला के बात कीजिए ना सर। आप तो कहिए नहीं रहे अपना काम हुआ करने के लिए, आप तो घूम जा रहे हैं अपने बतौर से पलट जा रहे हैं। पोस्ट क्रिएट किया कि नहीं किया आप लोग, कोई बोले थे 15 वित्त आयोग में पोस्ट क्रिएट किए? पहले से पोस्ट क्रिएट है कि नहीं क्रिएट है ये बताइए, अब बताइए। कमवा हवा हवाई हो जाएगा कि केकरो से करवाइएगा, कमवा हवे हवाई हो जाएगा। हमन सेवा दिए हैं मुख्यमंत्री महोदय, मानदेय पे काम नहीं किए, सेवा दिए हैं। 17,000 में रोजी रोटी चलता है जूनियर इंजीनियर के और 10,000 में अकाउंटेंट के। एक बार जो है ना 7वां वेतन आयोग का सिफारिशवा तनी पढ़ लेते ना, बड़ा मेहरबानी होता, एक बार बोला पढ़ के आइए ना तनी। अब तो फिर बातें नहीं है, फिर हम जा रहे हैं, आप लोग बैठिए, यही ना चाह रहे हैं, पब्लिक के दिक्कत हो रहा है। पब्लिक का जिम्मेदार मानते हैं ना आप लोग अपना? आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपकी जवाब देंगे, आप अपना जवाब देंगे। आप जिम्मेदार हैं, आप चिट्ठी दीजिए घर जाएंगे। आज तक इतना बिरसा चौक में आज तक इतना दिन तक गेट बंद नहीं रहा है, आप लोग जिम्मेदार हैं ना उतना? जिम्मेदार सरकारी सरकार कैसे जिम्मेदार? अपनी गलती का जो यहाँ फोड़ रहे हैं ठीक रहा, हम लोग पे फोड़ रहे हैं, आप अपना गलती फोड़ रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहेंगे भाई? हम लोग भी जाते हैं, चिट्ठी दीजिए घर जाते हैं, नौकरी करते हैं, हम लोग सड़क पर बैठते हैं। आपने सड़क पर लाया, हम सड़क पर बैठे हुए। अच्छा एक विचार है, जल्द से जल्द घर अपना वापस जाए, ना कि यहाँ रात में ठंड में यहीं पे पड़े रहे। यही बात तो हम कर रहे, एक महीना का और वक्त दीजिए ना। तो गुजर चुका, हम लोगों तो 31 तारीख को ही खत्म कर दिया गया था, आज तो एक महीना के लिए आप लोग सब नहीं सुनिए, सभा में व्यस्त हो जाइएगा, फिर 15 दिन का समय आपको चाहिए होगा, फिर किसी ने मार्च क्लोजिंग में आप व्यस्त हो जाइएगा। एक महीना किस लिए? घर बनाने के लेटर बनाना है? घर बनाना लेटर नहीं, सुनिए उसमें कानूनी प्रक्रिया है ना, पहले पता करेंगे ना। महीना से चल रहा प्रक्रिया सर आप, अरे ठंडा पार हो जाएगा भाई। आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसे बहन बेटी लोग रहे रोड पर? हम लोग तो नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते है, ठंडा पार हो जाने दीजिए। सुन लीजिए सरकार, आप चाह रहे हैं हम लोग रोड में रहे, आप चाह रहे हैं लेटर दीजिए हम लोग चले जाएंगे, लेटर दीजिए, लेटर दीजिए हम लोग चले जाएंगे 2 मिनट में। जैसे सरकार बनी थी मंत्री का पद जो स्वीकृत है, मंत्री पद स्वीकृत करने के लिए फिर से कानून बनाया गया था, या जो कानून बना हुआ उसी कानून पे फिर से मंत्री बने है? उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है तो एक लेटर बस निकाल दिया जाए निरस्त का, बाकी नियमावली बनाते रहे। सर एक बात कहना था, आप एक महीना नहीं आप 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाइए, हम लोग 2 दिन में नौकरी लेके घर चले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी अगर नहीं कर सकते हैं ना तो फोर्स है आपके पास, गोली चलवा दीजिए, क्या करें, एकदम एक आदेश दीजिए, ये लोग को भूंज के खत्म कर दो। एक बात कहना ये चाह रहे थे कि जब 9 महीना में और 10 महीना में आप नहीं कर पाए, इससे तो ये प्रतीत होता है कि हम काम करने में सक्षम थे, आपका जो नियम कानून बना। 9 महीना तक वेतन मिलता रहा तब सब ठीक था, अभी बोल रहे 1 महीना, अरे काम किए ना लगातार 9 महीना हम लोगों ने मंत्री मुख्यमंत्री महाराज के दरवाजे तक भीख मांगने के लिए काम किया है, हमेशा आश्वासन ही मिला 9 महीना से, हम हर दरवाजे पर गए हैं, एक भी दरवाजा हमने सरकार का नहीं छोड़ा। मिलेगा मिलेगा जब आप लोग नहीं, देखिए जब 9 महीना का आप बात कर रहे हैं ना महोदय, तो बताते हैं सुन लीजिए, 9 महीना पहले 15वीं वित्त आयोग में वेतन मद का प्रावधान नहीं था, उस समय आप लोगों ने कहा था हम राजवित्त से तैयारी कर रहे हैं, 9 महीना आपका राजवित्त का तैयारी में चला गया, जब प्रावधान आ गया से आप लोग पढ़े लिखे इंजीनियर है, बताइए कहां से फंड आया? बात को सुन लीजिए, सरकार के पास कहां से? बात को सुनिए, नहीं नहीं सुनिए ना, पूरी बात को सुनिए, सरकार के पास बताइए, सरकार के पास फंड कहां? हम वही तो बता रहे हैं ना, 9 महीने आपने राजवित्त आयोग को गठित नहीं किया या उसमें व्यवस्था नहीं किया हमारे मानदेय के लिए, 9 महीना सुन लीजिए, तब तक मैं सेंट्रल से आपने मांगा, क्यों मांगा? जब आप राजवित्त आयोग से तैयार थे तो आपको सेंट्रल सिटी नहीं मांगनी थी। अरे यहाँ फंड नहीं आ रहा है, खजाना खाली है। ठीक खजाना खाली, वो गोली मारिए खजाना खाली है, फिर आपको सेंट्रल से चिट्ठी आ जाती है कि अनटाइड फंड से आप वेतन मत का भुगतान कर सकते हैं, फिर नया नियमावली क्यों? आप वेतन मत के लिए आप पैसे की आपको आवश्यकता है कहाँ? आप लोग बैठिए, आप लोग अब तो कोई बात का बाबा ये थी ना, आप लोग बैठिए, जब आप लोग का यही मन है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप पैसा अर्जित करेंगे या फिर इम्प्लॉय को बाहर करेंगे, ये बताइए आप।
पैसा अर्जित करेंगे तो कोरोना काल में जिसका टैक्स ज्यादा आता था उसका अब कम आने लगा। आप लोग का वेतन कितना है मालूम है? गाड़ी खरी गाड़ी कितना है बताइए ना। आपका करोड़ों में जाता है गाड़ी, करोड़ रुपया का आता है क्या? अरे तो बूंदे बूंदे खड़ा भरता है। ठीक है ठीक है, एक बार तो नहीं मांग रहे हैं। आप लोग बैठिए, आप लोग मेरा बात नहीं मान रहे, एक महीना के लिए घर जाइए, सरकार नहीं भाग रही है। नहीं जाने वाले हैं, सरकार सड़क पर ला दिया, हम लोग अब सड़क पर ही रहेंगे। हम लोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है अंदर, ठीक है ठीक है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप तो करते रहिए करते रहिए, हम जा रहे हैं तब। कोई बात का कोई अथी है ना? The followup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in